सुप्रभात बच्चों, वित्तीय साक्षरता के नए पाठ में आपका स्वागत है। इस गतिविधि में आप विश्वास परिवार के द्वारा बचत करने के बारे में और विस्तार से जानेंगे। इसके साथ साथ आपको बैंकिंग की प्रक्रिया के हर चरण से अवगत कराया जाएगा। ऐसा करने से हम आशा करते हैं कि आप बैंकिंग के महत्व को अच्छे से समझ पाएंगे। एक साल तक छोटे ब्यूटी पार्लर में काम करके अनुभव प्राप्त करने के बाद प्रिया उत्तम नगर के एक नामी ब्यूटी पार्लर के चेन में नौकरी के लिए आवेदन करती है। काफी सरलता से इंटरव्यू की प्रक्रिया को पास करने के बाद उसे इस चेन के साथ नौकरी मिल जाती है। नई नौकरी मिलने के बाद उसका मासिक वेतन पहले से बढ़कर 8,000 हो जाता है। एक दिन गौरी और प्रिया के चाचा विकास उनके घर आते हैं। बातों बातों में वो प्रिया से कहते हैं, नई नौकरी लगने पर तुम्हें बधाई हो, तुम्हारे बाबा से खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। क्या इस नई नौकरी के वेतन में से तुम कुछ पैसों की बचत कर पा रही हो? हाँ, मैं हर महीने अपने वेतन से थोड़े पैसे बचा लेती हूँ। बहुत अच्छे, इन पैसों को तुम कहाँ रखती हो? कुछ समय पहले तक मैं बचाए हुए पैसों को एक डब्बे में करके अपनी अलमारी में रखा करती थी। फिर एक दिन गौरी ने कहा कि उन पैसों को बैंक में रखने से वो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। ये उसने अपने स्कूल में सीखा था, पर हम दोनों में से कोई भी ऐसा करने की प्रक्रिया नहीं जानते हैं, तो हम कुछ समय से इस बात को जानने के बारे में सोच रहे हैं। ओह, अगर ऐसा है तो बैंक का खाता खोलने में मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। पर मेरी जमा पूंजी बहुत अधिक नहीं है, क्या इतने कम पैसों से मेरे लिए बैंक खाता खुलवाना संभव होगा? मेरी बच्ची, परेशान ना हो, बैंक में खाता खुलवाने के लिए अधिक पैसों की आवश्यकता नहीं है। मैं उत्तम नगर अपने खाते से जुड़े किसी काम के लिए आया हुआ हूँ। शनिवार को मैं जब बैंक जाऊंगा तो तुम्हारा खाता खुलवाने के लिए तुम्हें साथ ले चलूंगा। चाचा जी, आपके पास बैंक में स्वयं का खाता है? बिल्कुल है, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ हमारा वेतन सीधे हमारे खाते में जमा कर दिया जाता है। इसके बाद मैं महीने के खर्चे की आवश्यकता के अनुसार बैंक से निकलवा लेता हूँ, बाकी बचे पैसे मेरे अकाउंट में ही रहते हैं। बैंक में खाता खुलवाने के लिए हमें क्या करना होगा? खाता खुलवाने के लिए तुम्हें बस दो पासपोर्ट साइज फोटो और अपने KYC दस्तावेजों के कुछ कॉपी की आवश्यकता है। KYC दस्तावेज क्या होते हैं? KYC यानी नो योर कस्टमर, नए खाते खोलते समय बैंक के द्वारा की जाने वाली एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसके द्वारा बैंक ग्राहक को पहचानती और स्थापित करती है, ताकि पैसों से जुड़ी धोखाधड़ी ना हो सके। KYC के दस्तावेज कई तरह के होते हैं, जैसे कि पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, नरेगा कार्ड, पैन कार्ड। इन सारे दस्तावेजों में से आपको केवल किसी दो के फोटोकॉपी देने पड़ेंगे और खाता खुलवाने के समय सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज ले जाने होंगे। ये सब बताने के बाद वो प्रिया को बताते हैं कि तुम्हें इन दस्तावेजों के साथ एक भरा हुआ बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भी जमा करना होगा। ये फॉर्म बैंक से ही उपलब्ध मिलते हैं और इन्हें काले इंक के पेन से भरना होता है। आपको खाते में डिपॉजिट करने के लिए कुछ पैसे भी जमा करने पड़ेंगे। बैंक में कई प्रकार के खाते होते हैं, इनमें से सबसे आम बचत खाता और चालू खाता होता है। हम तुम्हारे लिए एक बचत खाता खुलवाएंगे। एक चालू खाते में हमें हर समय एक न्यूनतम राशि खाते में रखनी होती है। ये राशि कितनी होगी ये बैंक पर निर्भर करती है, पर अगर हम इस न्यूनतम राशि को नहीं जमा रख पाते हैं तो हर महीने हमें बैंक को एक जुर्माना देना पड़ता है। धन्यवाद चाचा जी,
शनिवार के दिन मैं आपके साथ बैंक चलूंगी और आपकी सहायता से अपना खाता खुलवा लूंगी। शनिवार को सुबह सुबह विकास चाचा, प्रिया और गौरी अपने गांव में स्थापित ईस्ट बैंक ऑफ इंडिया में जाते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात गुप्ता मैडम से होती है, जिनकी प्रिया और गौरी दोनों ही बहुत आदर करते हैं। हालांकि वो जानते थे कि गुप्ता मैडम कहीं काम करती हैं, वो नहीं जानते थे कि गुप्ता मैडम ईस्ट बैंक ऑफ इंडिया में काम करती हैं। हेलो विकास, हेलो प्रिया, आप दोनों कैसे हैं? आज आपका बैंक में कैसे आना हुआ? हेलो गुप्ता मैडम, मैं ठीक हूँ। आज मैं अपनी भतीजी प्रिया का बैंक खाता खुलवाने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी आय को समझदारी से नियंत्रित करना सीख सके। ये तो बहुत अच्छी बात है। हर नौकरी पेशा व्यक्ति को अनिवार्य रूप से अपना एक बैंक खाता खुलवाना चाहिए, ताकि वो अपने पैसों को समझदारी से खर्च और बचा सके। आप दोनों यहाँ 2 मिनट रुके, मैं खाता खोलने के लिए आवश्यक फॉर्म लेकर आती हूँ। गुप्ता मैडम फॉर्म लेकर वापस आती हैं और प्रिया को उसे भरने का आदेश देती हैं। प्रिया उन्हें अपने साथ लाए हुए दस्तावेज दिखाती है। प्रिया, इन दस्तावेजों के फोटोकॉपी पर अपना हस्ताक्षर कर दो और फॉर्म में दी हुई जगह पर ये तस्वीरों को चस्पा कर दो। अगर तुम्हें किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे बिना संकोच पूछ लेना। आप प्रिया के द्वारा भरे हुए बैंक अकाउंट फॉर्म का उदाहरण देख सकते हैं। विकास चाचा प्रिया की फॉर्म को भरने में सहायता करते हैं और प्रिया उनसे प्रक्रिया से जुड़े सवाल पूछती रहती है। प्रिया के सवालों के जवाब है, हर बॉक्स में केवल एक बड़ा अक्षर लिखा जाता है, हर शब्द के बीच में जगह छोड़नी होती है, कस्टमर टाइप, पेशे वाले स्थान पर उसे सर्विस लिखना होगा क्योंकि वो स्वयं का व्यवसाय नहीं चला रही है, वेतन की राशि या तो मासिक या तो वार्षिक होनी चाहिए, क्या आपको चेकबुक और एटीएम कार्ड की जरूरत होगी? इसे पढ़कर प्रिया को उलझन होती है। वो गुप्ता मैडम से चेकबुक और एटीएम कार्ड के बारे में विस्तार से पूछती है। चेकबुक एक फोल्डर या एक छोटी सी पुस्तिका होती है जिसमें कई सारे चेक बने रहते हैं। चेक पैसों की लेन देन के लिए विशेष कागज होते हैं। जब आपको अपने अकाउंट से किसी को उपहार के लिए या चुकतान के तौर पर किसी को पैसे देने होते हैं तो आप उन्हें एक चेक लिखकर दे सकते हैं। चेक एक ऐसा कागज है जिसके माध्यम से आपने बैंक अकाउंट से किसी और को एक विशिष्ट राशि देने का अनुरोध करते हैं। ये राशि केवल उस व्यक्ति को जाती है जिसका नाम आपके लिखे चेक पर रहता है। वो व्यक्ति चेक के द्वारा उस राशि को अपने बैंक में ट्रांसफर करवा सकता है। ये पैसे 1-2 दिन में आपके अकाउंट से अन्य अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। चेक की विशेषताएं। चेक एक दस्तावेज है जिसके माध्यम से खाताधारक अपने बैंक खाते से माल या सेवाओं के बदले पैसों की पेमेंट करने का आदेश दिया जा सकता है। याद रखें कि आप किसी बैंक में चेक तभी मांग सकते हैं अगर आपका उस बैंक में खाता होता है। खाताधारक यानी ड्रॉअर द्वारा किसी भी प्राप्तकर्ता को चेक जारी कर सकते हैं अगर प्राप्तकर्ता ने उन्हें सामान या सेवाएं प्रदान की हो। प्राप्तकर्ता का नाम चेक में सही तरह से लिखा होना चाहिए। यदि किसी कारण से प्राप्तकर्ता का नाम अनिश्चित है तो चेक उस व्यक्ति को देय हो सकता है जो बैंक को चेक प्रस्तुत करता है। एक चेक सही ढंग से हस्ताक्षरित और दिनांकित होना चाहिए ताकि सम्मानित किया जा सके। बैंक द्वारा भुगतान करने के लिए सहमत। एक चेक में अंकों और शब्दों दोनों में भुगतान की जाने वाली सटीक राशि का उल्लेख होना चाहिए। जब चेक पर कोने में 2 लाइनों के बीच अकाउंट पे लिखा होता है तो उस चेक पर लिखी विशिष्ट राशि
चेक पर निर्धारित खाते में डिपॉजिट करना होता है। बिना चेक को डिपॉजिट किए आप उस चेक में लिखे पैसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अकाउंट पे के बिना वाले चेक को बेरर चेक भी कहते हैं। बेरर चेक को बैंक में प्रस्तुत करने पर आपको तुरंत चेक पर निर्धारित राशि मिल सकती है। अकाउंट पे चेक बेरर चेक से अधिक सुरक्षित होते हैं। प्रिया, अब मैं तुम्हें चेक लिखने के बारे में चरण दर चरण मार्गदर्शन देती हूँ। करंट डेट, दाएं हाथ के कोने में आज की तारीख लिख दो। तुम एक पोस्ट डेट भी लिख सकती हो, लेकिन इसकी प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। पेई लिखे हुए लाइन पर उस व्यक्ति का या संस्था का नाम लिखना होता है जिसे तुम पैसे देना चाहती हो। अगर तुम इस बारे में सुनिश्चित नहीं हो तो तुम्हें ये पता लगाना होगा तुम्हें पेमेंट किसके नाम करनी है, क्योंकि ये जानकारी सटीक होनी चाहिए। अंकों में रकम, तुम जिस राशि का भुगतान करना चाहती हो उसे दाईं ओर छोटे बॉक्स में अंकों में लिख दो। शब्दों में रकम, धोखाधड़ी और भ्रम से बचने के लिए राशि को शब्दों में लिखना होता है। ये पेमेंट की आधिकारिक राशि होती है। यदि शब्दों और अंकों की राशि मेल नहीं खाती है तो आपके द्वारा शब्दों में लिखी गई राशि कानूनी रूप से आपके चेक की राशि होगी। हस्ताक्षर, चेक के नीचे के दाएं कोने में सही तरीके से हस्ताक्षर करना होता है। चेक पर वही नाम और हस्ताक्षर लिखना चाहिए जो खाते को खोलते समय इस्तेमाल हुए थे। क्या चेकबुक के अतिरिक्त खाते से पैसे विड्रॉ करने के कोई और साधन हैं? बिल्कुल है। खाते से हम पैसे विड्रॉवल स्लिप और एटीएम कार्ड के द्वारा भी निकाल सकते हैं। एटीएम कार्ड क्या होता है? एटीएम कार्ड एक पिन आधारित कार्ड है जिससे हम ऑटोमेटेड टेलर मशीन से पैसे निकाल सकते हैं। ये कार्ड आपके सेविंग्स अकाउंट या वित्तीय संस्थान से जुड़ा होता है। एटीएम कार्ड के द्वारा निकले पैसे आपके अकाउंट से तुरंत कटते हैं। इस कार्ड के इस्तेमाल के लिए आपको एक गुप्त पिन दिया जाता है। आपके पैसों की सुरक्षा के लिए आपको इस पिन को किसी के साथ बांटना नहीं चाहिए। प्रिया चेकबुक और एटीएम कार्ड दोनों लेने का निर्णय करती है। ये सारी जानकारी के साथ साथ वो प्रिया को बताती हैं कि बैंक में खाते लोग अपने नाम पर खोल सकते हैं, किसी और के साथ मिलकर खोल सकते हैं। क्योंकि प्रिया फिलहाल के लिए खाता केवल अपने प्रयोग के लिए खोलना चाहती है, वो सेल्फ पर चिन्ह लगा देती है। इसके बाद वो फॉर्म पर अपना हस्ताक्षर करती है और निर्धारित जगह पर अपनी एक फोटो चिपकाती है। दूसरी पासपोर्ट फोटो को वो फॉर्म के साथ बैंक में जमा कर देती है। तुम 1,000 रुपए की राशि से बैंक में खाता खुलवा सकती हो। फॉर्म के साथ प्रिया 1,000 रुपए गुप्ता मैडम को जमा कर देती है, जो फॉर्म को जमा करने से पहले उसकी पुनः जांच करती है। आगे प्रिया को गुप्ता मैडम के सामने एक हस्ताक्षर कार्ड में अपना हस्ताक्षर दर्ज करना होता है। उसकी तस्वीर हस्ताक्षर कार्ड पर लगी है और उसे कार्ड पर कई बार अपने हस्ताक्षर दर्ज करने होते हैं। प्रिया, अपना किया हुआ हस्ताक्षर अब से हमेशा याद रखना, क्योंकि सही हस्ताक्षर के बिना तुम अपने खाते से पैसे नहीं निकलवा पाओगी। 2 दिन बाद वापस बैंक में आ जाना, मैं तुम्हें एक पासबुक दे दूंगी जिसमें तुम्हारे खाते से जुड़ी सारी जानकारी दी हुई होगी। इस रसीद को ध्यान से रखना क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। धन्यवाद गुप्ता मैडम। वैसे पासबुक क्या होता है? पासबुक एक छोटी पुस्तिका है जिसमें तुम्हारे अकाउंट से हुए सारे खर्चे और उसमें डिपॉजिट हुए सारे पैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसकी मदद से आप अपने अकाउंट से होने वाली सारी गतिविधियों को नियंत्रित कर सकते हैं। प्रिया ये सब काम समाप्त करने के बाद बहुत प्रसन्न महसूस करती है और अपने चाचा विकास का आभार व्यक्त करती है।
घर जाते समय वो बैंकिंग के बारे में सीखी हुई सारी चीजों को याद रखने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि गौरी बहुत सौभाग्यशाली है कि वो वित्तीय साक्षरता के बारे में इतनी कम उम्र में सीख पा रही है।